तो कैसे आप सभी लोग। तो आज देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन में जो होता है नया सेल फॉर्म होता है, ओके, न्यू सेल फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेल से कई सारे सेल बन गए। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन में सिर्फ सेल्फ का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन में कुछ चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सेल है, यहाँ पे कोई नया सेल बन नहीं रहा, लेकिन सेल का अगर आप देखेंगे शेप अलग अलग हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें, ये नर्व सेल हो गया, या फिर स्मूथ मसल का हो गया, या आपने जो भी पढ़ा था कॉलमनार क्यूबोडियल, तो ये सारे जो अलग अलग सेल के टाइप्स थे, तो वो सिर्फ मॉडिफिकेशन जो होता है उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे कोई नया सेल नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। सेल डिफरेंशिएशन में सिर्फ पुराने जो भी सेल बन गया उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर सेल डिवीजन में बात करेंगे तो यहाँ पे नया सेल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।